कटिहार नगर थाना पुलिस के द्वारा रात्रि गश्ती के दौरान नया टोला मोहल्ले में दो युवक को अवैध हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त बातों की जानकारी नगर थाना परिषद में प्रेस वार्ता के दौरान SDPO अमरकांत झा ने पत्रकारों को बताया। उन्होंने बताया कि नगर थाना अध्यक्ष रंजन कुमार अपने दलबल के साथ गश्ती करने के दौरान नया टोला मोहल्ले में दो युवक को शक के आधार पर रोककर पूछताछ की गई। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक USA मेड पिस्टल और 6 गोली बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि यह दोनों युवक कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही नगर थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। उन दोनों युवकों में किशन यादव और रोशन कुमार शाह दोनों ही नया टोला के निवासी हैं। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है और पिस्टल और गोली के बारे में जानकारी ले रहे हैं। रात्रि गश्ती के दौरान नया टोला स्थित वाईफे हॉस्पिटल के पास थाना अध्यक्ष स्वयं के साथ कुंवरी रविंद्र कुमार सिंह, कुंवरी धर्मेंद्र कुमार और सशस्त्र बल था, ये लोग गश्ती कर रहे थे। इसी क्रम में दो व्यक्ति था, इन लोग को देख करके भागने के बाद इन लोग दौड़ करके इसको पकड़ने के बाद इन लोग को सर्च किया और सर्च के क्रम में नाम भी पूछा तो किशन यादव, जिसकी उम्र 22 वर्ष था, और दूसरा रोशन कुमार शाह, दो गिरफ्तार हुआ। किशन यादव के पास से एक पिस्तौल जिस पर USA लिखा हुआ है और 3 गोली और 1 मिसाइल गोली बरामद हुआ, और रोशन कुमार शाह के पास उसके पॉकेट से 2 गोली बरामद हुआ। कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट।